responsibility and every citizen of this country. What am I doing? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं मैनचोर. जो जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश में इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं आपको. आप घर पे पिताजी को बोलते हैं छापड़ मारो, बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते. मगर यहाँ प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है. हेलो, सबसे पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के सामने बैंचोर नहीं बोल सकते. मैंने कहा भाई साहब पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है. पापा कोई मैनिफेस्टो देके थोड़ी आए थे. पापा ने ये थोड़ी कहा था कि पड़ोस का गुंडा तेरे को मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 10 थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद पड़ोस के गुंडे के साथ चाशनी थोड़ी खा रहे हैं मेरे पापा. अगर खाते पड़ोस के घर में जाके केक तो अपने बाप को भी कॉवर्ड बोलता. अगर मेरे पापा कहते बेटा तेरी स्कूल की फीस बाद में दूंगा, पहले मेरे साथ सेल्फी खिंचा ले, तो मैं कहता भैया तुम साइकोपैथ हो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें. और एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या? इस देश में हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात. हमें छूट मिलनी चाहिए मन की बात करने की. मैं अपने ट्विटर पे क्या लिखूंगा, फेसबुक पे क्या लिखूंगा, ये नेता थोड़ी बताएंगे. संसद में बैठ के कानून बना दिया. कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए. मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान, ये भारत का देश, इसकी धर्म और संस्कृति के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं पता हमारे धर्म के बारे में. हमने तो दैत्यों के गुरु को भी, शुक्राचार्य को भी गुरु की उपाधि दी थी. हमने कहा चार्वाक जो हमारी संस्कृति, हमारी फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट, कंज्यूमरिज्म और मेटलिज्म की बात करते थे, उनको भी हमने बोला महर्षि चार्वाक है. कबीर बनारस के घाट में पंडों के बीच में, पुजारियों के बीच में खड़े होकर बोलते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़. और उसके बाद भी कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता. मुगलों के राज में वो फकीर खड़ा होकर कहता है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए. उसके बाद भी कोई उन्हें ये नहीं कहता. कबीर को कोई ये नहीं कहता पाकिस्तान चले जाओ तुम नक्सलवादियों, जंगलियों, पाकिस्तानियों.